हाय फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी एंगुलर स्प्रिंग बूट पर बुक स्टोर ऐप। तो इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कैसे अपने सिस्टम में सेटअप कर सकता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उनको सेटअप करने में, तो वही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप सेटअप कर सकते हैं। तो सेटअप करने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप विकास गिटहब पे आ जाइए, विकास 5A7 करके। वहाँ पे आकर सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये 5A7 है, यहाँ पे आकर यहाँ बुक स्टोर रिपोजिटरी में आकर बुक स्टोर कोड करके आपको मिलेगी। तो वहाँ जाने के बाद आपको इसे क्लोन कर लेना है। क्लोन करने के लिए क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है, और फिर आप कहीं भी अपने सिस्टम की किसी भी फोल्डर में जाकर आप एक फोल्डर बना लो। आप सपोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, कुछ भी करके, शायद कोड ऐसे करके मैं इस कर लेता हूँ। यहाँ क्या करता हूँ, गिट बैश करके, या आप cmd कर कमांड यहाँ पे टाइप करके इसके, और गिट क्लोन, ये आपको ये सारा चीज़ को कॉपी क्लोन कर ले। ये कंप्लीट हो चुकी है सारा। ये कुछ टाइम लगेगी क्लोन होने में, जिस तरह से आपकी सिस्टम होगी उसके अनुसार। तो मैं आइए अंदर देखता हूँ क्या क्या हमें मिला है। तो आपको बेसिकली दो फोल्डर मिलेगी, एक बैक एंड के लिए, एक फ्रंट एंड के लिए, और एक रीडमी करके। इसमें क्या कुछ प्रोसेस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं इसके अनुसार ही फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एंगुलर को करते हैं। तो एंगुलर को करने के लिए कुछ भी नहीं, आपको इसमें फ्रंट एंड करके जो आया है उसको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे अगर cmd टाइप करना है जिससे आपको कमेंट खुल जाएगी, और फिर आपको वीएस कोड में इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो वीएस कोड में इंपोर्ट करने के लिए code.डॉट ऐसे करेंगे तो वो वीएस कोड में आपको सारा चले आएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको एक कमांड रन करनी है, टर्मिनल ओपन करके एक कमांड रन कर लिया। एंड आपको मैं ये कमांड ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे npm इंस्टॉल या npm अपडेट भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैं npm इंस्टॉल करता हूँ। npm इंस्टॉल करने का ये कुछ टाइम लेगी, आपको पैकेज थे वो सारे इंस्टॉल हो चुकी है। कुछ ये हाई लो करके बता रही है। आप ये इस कमांड को रन करेंगे तो ये वार्निंग सारा चले जाएगा, बट मैं इसे रन करता हूँ, ngserv शर्प करता हूँ। ngserp करने के बाद ये प्रोजेक्ट रन कर ले। तो जब तक ये रन होती है हम लोग आते हैं और बैकएंड को सेटअप करते हैं। बैकएंड को सेटअप करने के लिए हम लोग के पास STS होना चाहिए। आप इक्लिप्स में भी कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँ कि आप STS इंस्टॉल कर लो। अगर आपको मालूम नहीं कि किस तरह STS इंस्टॉल करना है, तो आप सीधे गूगल में जाकर डाउनलोड STS लिखेंगे तो आपको सारा डाउनलोड STS करेंगे तो वो सारा आपको बता देगा। जिसका STS ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद हम लोग बैकएंड के प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करने के लिए आपको फिर से बताता हूँ, फाइल में जानी है, फाइल में जाकर ओपन प्रोजेक्ट फॉर्म फाइल सिस्टम पे क्लिक करके आपको डायरेक्टरी में जाना है, और आपका जो बैकएंड में आपका कोड था कहाँ पे कोड करके बुक स्टोर बैकएंड ये लिखा हुआ है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये डिटेक्ट कर लेगा मैवन को, और उसके बाद क्या करना है, फिनिश कर देना है। तो फिनिश होने के बाद आपको वेट करनी है, ये कम से कम तो 10 to 15 मिनट्स लेगी। ये सारा डिपेंडेंसी को डाउनलोड करेगी जो भी रहेगी, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको वेट करना है। तब हम लोग वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लगेगी जिसका सिस्टम के अनुसार, जिसका कितना सिस्टम और नेट के अनुसार कितना जिसका स्पीड हो। तो मेरा तो हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ तो ऑलरेडी लोकल में रहती है, इसलिए सारा वो इम्पोर्ट कर लिया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे दो तीन चीज़ चेंज करनी है, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चेंज करनी है। सबसे पहले रन करने से पहले तो यहाँ पे आपको बुक स्टोर बैकएंड करके रिसोर्स के अंदर एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर आना है। यहाँ पे आके आपको सबसे पहले ये DB अपना माई SQL का डेटाबेस का ये यूज़र नेम डालना है, आपको पासवर्ड डालना है। आपका माई SQL में जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो दोनों यहाँ पे चेंज कर देने हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है कि आप माई SQL ओपन करके एक ये मैं वर्क बेंच यूज़ कर रहा हूँ, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। कौन सी डेटाबेस क्रिएट करनी है, क्रिएट डेटाबेस बुक स्टोर, ये बुक स्टोर करके आपको
एक डेटाबेस क्रिएट कर ले। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, सो मैंने दोबारा क्रिएट करने वाला हूँ। देख आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये बुक स्टोर, ये इसको कॉपी करके यही नेम से आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको एक और कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो ईमेल के लिए। तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको रन एज में आना है, और उसके बाद रन कॉन्फ़िगरेशन के पास क्लिक करना है। हाँ, क्लिक करने के बाद आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगी। वहाँ पे इन्वायरमेंट में आकर आपको अपने ईमेल आईडी का क्रेडेंशियल डालना है सर। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखना है ईमेल नेम में ईमेल लिखना है, और नीचे आपका ईमेल एड्रेस कुछ भी जो आप चला रहे हो जिससे मेल जाएगी। तो मैं अपना ईमेल डाल दे रहा हूँ, और जो भी आपका ईमेल का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड फील्ड बोल के पासवर्ड पासवर्ड करके यहाँ पे आपको हाँ ईमेल का पासवर्ड डालना है। तो जो भी आपका हो वो डाल देना आपको, और यहाँ पे फिर रन कर देना है। हाँ, इसके रन कर देना है। रन करने के बाद आपको ये रन हो जाएगी, और ये किस पोर्ट पे रन होगी, 8080 ये इस पोर्ट पे ये रन होगी। तो आप चाहे तो इसे पोस्टमैन में भी चेक कर सकते हैं, और स्वैगर स्वैगर में भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने स्वैगर का दिया हूँ लिंक, ताकि आप चेक कर सकते हैं कि इंड पॉइंट कौन कौन से इंड पॉइंट है और क्या क्या है, वो सारा आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो आपको ये सारा मिल जाएगा। ये देखिए, एड्रेस कंट्रोलर हो गया, बुक स्टोर का कार्ट का, यूजर कंट्रोलर, विश लिस्ट कंट्रोलर, ये सारा आपको मिल जाएगी सारा कंट्रोल। ये रन होने के बाद और हम लोग फ्रंट एंड कर देखते हैं। फ्रंट एंड ये भी चलने लगे हैं। तो ये किस पे हो गई है, 4200 में चल रही है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं ये रन होने लगे, बट जब आप शुरू में करोगे तो आपको पास ये सारा बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तभी आपको ये सारा बुक्स वगैरह डिस्प्ले होगा। मैंने ऑलरेडी डेटाबेस में कुछ क्वेरी रन किया था, जिसके कारण मैंने कुछ बुक्स और कुछ यूजर्स ने ऐड कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को हमें ये डेटा डेटा दिखा रही है। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये मैं ये लिंक को ओपन करता हूँ। आप एक बार गौर करेंगे कि मैंने ओपन किया था कितना, 4200, बट ये तुरंत रिडायरेक्ट कर दिया बुक्स पे, सारा बुक्स को डिस्प्ले कर दिया वो। तो ये ऑटो रिडायरेक्शन है ये। और फिर अगर मैं बिना लॉगिन किए अगर मैं बुक को ऐड करता हूँ, तो मुझे ये लॉगिन पे भेज देगी कि आप पहले लॉगिन कर लो, उसके बाद ही आप बुक को ऐड कर सकते हो, यानी कि खरीद सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ, लाइक जैसे विकास विकास कुमार करके एक यूज़र ऐड करता हूँ, मेल आईडी डालता हूँ। अगर मैं कुछ भी इनवैलिड डालूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ना ही ये बटन, ये डिसेबल बटन है, ये बटन क्लिक भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको अच्छा से करेक्ट क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा। तो ये मैं करेक्ट ईमेल डालता हूँ, और पासवर्ड के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर मैं पासवर्ड ऐसे ही छोड़ देता हूँ, सपोज ऐसे करता हूँ, तो ये क्या क्या बोलते हैं, पासवर्ड होना चाहिए 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, और एक लेटर एक नंबर ज़रूर होना चाहिए उसमें। तो मैं इसमें डालता हूँ विकास 1 करके डालता हूँ, तो ये एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे ही इसमें डालूँगा विकास, और अगर मैं सेम नहीं डालूंगा तो ये बताएगा प्लीज़ कन्फर्म, ये मैच नहीं हो रही है और ये पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, तो इसे मैच कराना पड़ेगा हमें। तो विकास 1 ये हो गया, और नंबर भी अगर मैं कुछ गलत नंबर डालूंगा तो ये मुझे बताएगी नहीं, पासवर्ड नंबर होना चाहिए ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो मैं करेक्ट नंबर कुछ 10 नंबर का डाल देता हूँ, अगर 10 नंबर से भी कम डालूंगा तो ये बताएगी वैलिड इंटरव्यू और वैलिड ईमेल नंबर। तो ये है। तो सेलर, मैं सबसे पहले सेलर से रजिस्टर करता हूँ, तो सेलर से रजिस्टर करता हूँ, ये रहा मेरा मेल आईडी को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। रजिस्टर किया, तो ये रजिस्टर हो रही है, रजिस्टर हो गया। अब मैं वो लॉगिन करता हूँ, ट्राई टू लॉगिन, तो देखते हैं क्या सेलर से मैंने रजिस्टर किया था, इसलिए सेलर से मैंने रजिस्टर करूँगा। तो ये मुझे बताया कि आपका मेल जो वेरीफाई नहीं हुआ, आपको फर्स्ट मेल का वेरिफिकेशन करना है।
तो मैं जाता हूँ और देखता, चेक करता हूँ मेल आया कि नहीं। तो ये मुझे एक मेल आया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके, और एक फिर से मेल आया है। तो मैं सबसे पहले इसको लिंक पर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे वेरीफाई कर देगा कि हाँ आपका मेल वेरीफाई हो गया। अब मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने के लिए, तो ये लॉगिन हो गई है। तो बुक प्लीज ऐड सम बुक बाय क्लिकिंग ऐड बाय, तो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, एक बुक ऐड करता हूँ। सपोज मैं बुक करता हूँ कुछ भी ऐड करता हूँ, डॉग करके कुछ बुक ऐड करता हूँ, डॉग। हाँ, और फिर ऑथर ले देता हूँ विकास कुमार कुछ, और प्राइस दे देता हूँ ऐसे कुछ, और बुक का क्वांटिटी 85 दे देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट मोर देन 25 होना चाहिए। तो मैं कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ और एक बुक को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इमेज में कुछ भी सुटेबल ये डाल देता हूँ ये, और फिर ऐड कर देता हूँ। तो ये बुक मुझे डिस्प्ले हो गया, और फिर उसके बाद ये स्टेटस उसका ऑन होल्ड रहेगा जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटर उसको अप्रूव नहीं करेगा, तब तक कि हम लोग को वो बुक में बुक स्टोर में नहीं दिखाई देगी। तो एडमिन एडमिन का एक यूज़र बनाना है आपको, एडमिन का यूज़र बनाकर इसे बुक को अप्रूव करना है। तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ प्राइस है तो ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को मैं इतना बढ़ा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिख देता हूँ। तो अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगी, अपडेट हो गई है बुक, बुक ऑलरेडी अपडेट हो गई है। और उसके बाद मैं बुक को डिलीट भी कर सकता हूँ, तो मैं अभी के लिए डिलीट नहीं करता हूँ। एडमिन एडमिन से मैं लॉग इन करता हूँ। ये रहा, मैं एडमिन से लॉग इन कर चुका हूँ। तो एडमिन से जैसे ही लॉग इन करने के बाद एक यूज़र ऐड करनी है एडमिन से, और उसके बाद लॉग इन करनी है। तो ये एडमिन सारा बुक्स देख सकता है, कौन 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 सा बुक ऐड है, क्या है इसका रेटिंग रिव्यू, सब कुछ देख सकता है। किसी ने अगर रेटिंग रिव्यू कुछ भी कमेंट्स दिया हो बुक्स पे तो वो डिलीट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, सारा चीज़ कर सकता है एडमिन। तो यहाँ पे ये ऑर्डर भी देख सकता है, अगर ऑर्डर कुछ आया है तो एडमिन ऑर्डर को देख सकता है, हाँ इसने ऑर्डर किया है बुक को, सेलर सेलर ने कौन सा बुक को रिक्वेस्ट किया अप्रूव करने के लिए। तो अभी मैंने हम लोग ने एक बुक ऐड किया था ये डॉक करके, तो ये एक चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है, अप्रूव करने के बाद ही है। तो यहाँ पे मैं अप्रूव करता हूँ, तो ये बुक अप्रूव हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, हाँ ये अप्रूव हो गया, बुक अप्रूव हो गया है। तो मैं इस सेलर से लॉग आउट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट देखता हूँ, मुझे बुक स्टोर में बुक को सर्च करूँगा कि ये डॉग बुक है कि नहीं, तो मैं नेविगेट कर सकता हूँ, ये चेंज हो रही है। तो मैं देखते हैं बॉक्स, ये रहा डॉग बुक, और सर्च सर्च भी कर सकता हूँ मैं, DOG करूँगा। देखिए ये बुक का ये आ गया है, इस बुक को मैं देख सकता हूँ, इसका क्या है रेटिंग रिव्यू क्या है कैसा है वो देख सकता हूँ। तो ये 0 अभी रेटिंग दिया हुआ है, कमेंट्स भी कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। आप चाहे तो बैग इससे बैग में ऐड कर सकते हैं। तो ये बैग में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं एक लॉग इन कर लेता हूँ। मैं ऐड कर लेता हूँ, में सुधार लिया हूँ, और फिर एक बैग में ऐड कर दिया हूँ डॉग को। और फिर और कुछ भी कर सकते हैं, लाइक मैं विश लिस्ट ऐड कर सकता हूँ, विश लिस्ट हो गया यहाँ पे, फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से ऐड टू कार्ड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव कर देता हूँ, अब मैं कार्ड पर जाता हूँ, कार्ड पर यहाँ आके रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्वान्टिटी इंक्रीज कर सकते हो। लाइक मैंने क्वान्टिटी इंक्रीज कर दी, उसको कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे नाम और एड्रेस आ जाएगा, इसके बाद पिन को डालना है आपको, कितना है एरिया, क्या क्या एड्रेस डालना है, और सिटी एड्रेस, लैंडमार्क, ये सब डालना है, और ये कौन सा ऑफिस वर्क है, क्या क्या है, ये डिटेल्स भरना है आपको। फिर यहाँ आइए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है। वहाँ पे प्राइस आपको दिखाएगी, कितना प्राइस हुआ, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बढ़ाई थी वहाँ पे, दो क्वांटिटी। अगर मैं एक क्वांटिटी कर देता हूँ तो यहाँ पे प्राइस भी कम जाएगी। उसके बाद चेकआउट करूँगा, चेक करते हैं कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। और फिर ये चेक योर मेल एड्रेस, मेल एड्रेस मेल में देखते हैं आया है कि नहीं। देखिए
ये मेरा बुक प्लेस हुआ, ऑर्डर के डिटेल्स मिल जाएगा, ये बुक करना है इतना, प्राइस का इतना, और यहाँ पे जाके आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं अपनी बुक को, ये इससे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन काम करिए, अपना कमेंट से रिव्यू भी दे सकते हैं, तो बुक पे जाके डिस्प्ले हो जाएगी।